एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर काफी चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे साउथ के बड़े कलाकार अपनी एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन करते दिखाई देंगे। फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन और आलिया भट्ट कैमियो रोल कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये स्टार कास्ट फिल्म के लिए कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। रामचरण। फिल्म में एक्टर रामचरण लीड रोल में है और वो अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए वो 45 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर आरआरआर फिल्म के दूसरे लीड एक्टर हैं, जो कि फिल्म में कोमाराम भीम का रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हें भी 45 करोड़ फीस मिलने की खबरें हैं। आलिया भट्ट। वहीं फिल्म में आलिया सीता का किरदार निभाती दिखेंगी। आलिया को मूवी के लिए 9 करोड़ दिए जाने की रिपोर्ट है। अजय देवगन। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन पहली बार डायरेक्टर राजामौली के साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर ही अजय देवगन फिल्म में दिखाई देंगे, जिसके लिए वो 90 लाख रुपए ले रहे हैं। श्रिया सरन फिल्म आरआरआर में सरोजनी का किरदार निभाती दिखेंगी, जिसके लिए वो 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं। एसएस राजामौली। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजामौली फिल्म के प्रॉफिट शेयर का 30% हिस्सा लेंगे। राजामौली की पिछली फिल्म बाहुबली ने देश विदेश में ताबड़तोड़ कमाई की थी। कहा जा रहा है कि आरआरआर फिल्म भी सुपरहिट होगी। ओलिविया मॉरिस। एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस भी फिल्म आरआरआर का हिस्सा है, जिसमें वो जेनिफर का किरदार निभा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए वो 1 करोड़ रुपए ले रही हैं। एलिसन डूडी फिल्म में लेडी स्कॉट का रोल प्ले कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें 45 लाख दिए जाएंगे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।